क्रिकेट वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी बैटिंग की बैटरी डाउन हो गई है। रोहित शर्मा, ये क्या, रोहित शर्मा ने अकेले 6 छक्के मार लिए, हमारी पूरी टीम ने एक नहीं मारा। पाकिस्तान को रुलाया आपने, पूरे पाकिस्तान को दिल खून के आंसू रो रहा है और मुसलसल ये रोना तवील हो गया, तवील है ये रोना। ये वो पिच ही नहीं है, ये वो विकेट ही नहीं है, किसी और जगह पे खेला है पाकिस्तान ने, किसी और जगह पर खेला है इंडिया ने, पता नहीं कितने छक्के उन्होंने लगा दिए, पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स में एक छक्का नहीं। अब तक रोहित शर्मा का स्कोर मैंने देखा था, वो क्रीज पे खड़े थे अकेले, उसने 4 छक्के मार दिए थे, आपकी पूरी बैटिंग लाइन ने एक छक्का नहीं मारा। कौन आ गया? अच्छा कौन आ गया, ये भी तन जाएगा पता नहीं। माइकल वॉन ये कहते हैं, इंडिया हैव अ साइकोलॉजिकल एज ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान हैव सो मच टैलेंट बट दे प्ले लाइक अ टीम That doesn't believe they can beat the men in blue. बिल्कुल सही है। सब बड़ा जज्बाती सब ही हैं। पूरी नेशन इस बाबा हम लोग इनसिक्योर लोग हैं। इतनी कोवर्ड अप्रोच, बुजदिल, डरपोक, डर नजर आ रहा है। किस चीज का इंडिया से डर है? किस चीज का इंडियन बॉलर से डर है? रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, या तो वो अंडर 10 आउट हो जाएगा जी, या फिर वो बड़ा शॉकर। तो जिस तरह से उसकी फॉर्म उसकी जाती भी है, आती भी है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं। प्रेशर नहीं होता कि आपकी बैटिंग ना चले, आपकी बॉलिंग ना चले और आपसे बिल्कुल ही आज की गेम ना खेली जाए। आप लोग तो बिल्कुल छोड़कर बैठ गए, हवास बाकता हुए थे। 155 पे 3 आउट और जो है वो आगे जो है वो क्या बोलू मैं, 191 पे ऑल आउट हो गए। फास्ट बॉलर है वो, मैं उसकी उसका की स्पीड देख रहा था, पूरे पाकिस्तानी प्लेयर में से किसी एक प्लेयर के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसको एक छक्का लगा सके यार। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का 12वां मैच शनिवार 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान की टीम 42.5 ओवर में 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। भारत की प्लेइंग 11 में ईशान किशन की जगह शुभमन गिल की वापसी हुई। उन्होंने भारत को शानदार शुरुआत दी। हालांकि वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनकी पारी छोटी पर आक्रामक थी। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन बनाए। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख पाकिस्तान के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। आपने अभी तक 1000 बॉलें, इसको आप कन्वर्ट करेंगे ना ओवर्स के अंदर तो ठीक ठाक ओवर्स बन जाएंगे, 1000 बॉलें आपने पावर प्ले की खेली है, लेकिन आपने एक छक्का नहीं लगाया आज तक। नहीं लगाया छक्का, छक्का नहीं लगाया आपने। और ये पिछले वाले श्रीलंका के मैच में ये स्टैट्स निकल कर आए थे, लेकिन हमने क्योंकि कहते हैं कि जो जीत होती है ना वो खामियों को दबा देती है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स। मैं आपको सच बताऊं, ये ट्रैक ऐसा था, मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैंने कहा अगर इंडिया खेल रहा होता ना पहला 10 ओवर में, हमने शायद 40 या 42 रन बनाए थे, इंडिया ने 70 रन कर देने थे। बिल्कुल ऐसे एक विकेट गिरती है और एक और अगर अगर होमलैंड इंडिया का ना भी होता ना, आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर हो गया उनकी पूरी आवाम की सपोर्टर से, भाई इतना प्रेशर नहीं होता कि आपकी बैटिंग ना चले, आपकी बॉलिंग ना चले और आपसे बिल्कुल ही आज की गेम ना खेली जाए। आप लोग तो बिल्कुल छोड़कर बैठ गए, हवास बाकता हुए थे। और रिजवान जिस तरह से हमने उनको पिछली इनिंग्स उनके खेलते हुए देखा, बिल्कुल डर डर के खेल रहे थे। मैं बिल्कुल हर बॉल पर बोल रही थी कि भाई अब मुझे आउट हो जाए। मैच देख रहा था, यकीन करें बैटिंग देखने का इंडिया की दिल नहीं किया क्योंकि रोहित शर्मा का स्कोर मैंने देखा था, वो क्रीज पे खड़े थे अकेले, उसने 4 छक्के मार दिए थे, आपकी पूरी बैटिंग लाइन ने एक छक्का नहीं मारा। मतलब अब हम इंडियन बॉलिंग को क्रेडिट कैसे दे सकते हैं, आपके पास बैट्समैन है ही नहीं खेलने के लिए। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मैं आपको देखे, मैं इस वक्त बड़ा पूरी नेशन बाबा हम लोग इनसिक्योर लोग हैं, हम लोग जज्बाती तो हैं लेकिन इनसिक्योर हैं। अगर मैं समझूंगा कि आमना मुझसे बड़ी अच्छी एंकर है तो मैं कोशिश करूंगा यार ये ट्रांसमिशन में ना, वैसे तो है नो डाउट इसमें नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यार ये ट्रांसमिशन में ना हो मेरे साथ, क्योंकि फिर मैं निखर के नहीं आऊंगा। बाबर आजम से बड़ा प्लेयर कौन है बैट्समैन, मुझे एक बात बताइए, क्यों बड़ा नाम अगर आपको लगता है। वैसे बाबर आजम को मैं बहुत बड़ा प्लेयर नहीं मानता, दुनिया मानती होगी, लेकिन बड़ा प्लेयर वो होता है जो आपको जीत दिलाए। मुझे नहीं पता कि लास्ट बाबर आजम ने कैसे मैच फिनिशर हो जो और लास्ट मैच आपको सक्सेसफुली फिनिश, माशाल्लाह जो क्या हमारी वो आपने गाना सुना ना, वो ये करके दिखाओ। हाँ। वो होना चाहिए कि यार ऐसे आउट होके दिखाओ, ऐसे आउट होके दिखाओ, पूरी दुनिया में ऐसे आउट नहीं होते। जिस तरह से बुमराह ने, फास्ट बॉलर है वो, मैं उसकी उसका उसकी स्पीड देख रहा था, 140 की स्पीड पे बॉल कर रहा है और उसका आप रनअप देखेंगे ना तो 4 से 5 कदम है,
उसके बावजूद उसको पता है कि यार टर्निंग ट्रैक है, उसने आप समझ ले कटर मारी है और रिजवान बोल्ड हो गया 49 रन में। यार 60 बॉलें खेल ली आपने, 10 ओवर इस ट्रैक पर आपने खेल लिए, स्लो गेम थी। आमना ये ट्रैक ऐसा था, यूजुअली कहा जाता है वनडे क्रिकेट के अंदर कि आप आते हैं उसके बाद आप पिच को समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट अब ये नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट होती है आना और उसके बाद आपने खेलना है, आपने परफॉर्म करना है, आपने शुरू के 10 ओवर कम से कम 60 रन बनाने, भले आपकी विकेट गिर जाए। सलमान हम ये भी तो कहते रहे ना कि ये इंडियन जो पिचेस हैं ये बैटिंग पिचेस हैं, और इसी पे शुएब अख्तर के आज हमने देखा, उन्होंने ट्वीट भी किया कि आपने यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, के भाई आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी बैटिंग करने के लिए लेकिन हमारी बैटिंग लाइन कैसे लड़खड़ा गई। ये जुमला तो खैर मुझे लगता है कि बार बार बचपन से अब तक सुनते सुनते इनग्रेव हो चुका है मेरे माइंड में कि हमारी बैटिंग लाइन इंडियन बॉलर्स के आगे लड़खड़ा गई। जनाब किस तरह से लड़खड़ाई, कोहली है जी, ही परफॉर्म्स रियली वेल। कोहली तो जब खेलता है वो परफॉर्म करता है अगेंस्ट पाकिस्तान, और रोहित शर्मा भी इस तरह का प्लेयर है जैसे फखर, नहीं फखर को हमने बाहर कर दिया, हाँ जी। वो इस तरह के लोगों को बाहर नहीं करते, नहीं करते। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, या तो वो अंडर 10 आउट हो जाएगा जी, या फिर वो बड़ा शॉकर। तो जिस तरह से उसकी फॉर्म उसकी जाती भी है आती भी है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं। गिल है वो एक ऐसा टैलेंट है कि जो नेक्स्ट सुपरस्टार बनने जा रहा है, ऑलरेडी उसने प्रूव किया है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस दोनों टीमों के अंदर, कोहली से बड़ा, रोहित शर्मा से बड़ा वो हार्दिक पांड्या। 155 पे 3 आउट और जो है वो आगे जो है वो क्या बोलूं मैं, 191 पे ऑल आउट हो गए उल्लू के पट्टे। ये बैटिंग कर रहे हैं, ये इनसे जो तवक्को लगाई थी पाकिस्तानियों ने, ठुक करके जब ठुक छोड़ी तो ये बवासीर किस्म की बैटिंग किया इन्होंने। क्या बैटिंग किया भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ ये हुआ क्या है भाई। 36 स्कोर के अंदर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए, 155 पे जो है वो इनके 3 खिलाड़ी आउट थे और अगले 36-37 स्कोर पे पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए। और जो किंग बने फिरते थे भाई, वर्ल्ड क्लास बने फिरते थे, उन्हें चपेड़े मार दिए, चपेड़े मार मार के मुंह सीधा सीधा करके ना चिपेड़े मार के उन्हें बाहर भेजा कि दफा हो जाए यहां से, तुम्हारी औकात नहीं है अहमदाबाद के स्टेडियम में खेलने की, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी बड़ी टीम के साथ खेलने की, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो कि तुम जो है वो इंडिया जैसी टीम के सामने खेलो या इतना बड़ा इवेंट तुम लोग खेलो। क्या इनकी औकात आपको ये लास्ट जो है 5 ओवर में नजर आ गई होगी कि 36 स्कोर के अंदर जो है टोटल इन्होंने जो है वो 7-7 विकेटें दे दी उल्लू के पट्टू ने। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना और क्या नहीं करना है, ऐसी बैटिंग को लात मार के जो बाहर भेजना चाहिए, बाकी कोई नहीं है, इनको आउट करो, आउट करने के बाद पीछे से लात मारो, इनको लात मार के बोलो कि बेगार तो दफा हो जाओ बाहर, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है यहां पर उल्लू के पट्टो। ये बैटिंग है इनकी यार, क्या यानी कि मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ा भाई, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है आउट हो गए भाई। चाय का कप कितना एक होता है, वो जब मैं फिनिश नहीं कर पाया और ये सारे के सारे आउट होके चलते बने, एक टाइम में ट्रेंड बन गया था जी हमारा किंग है जी।